देखिए क्लास, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया था हमने, उसमें 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना था, ऐसे यहाँ पर 1 जूल को अर्ग में चेंज करना है। और आपको पता है जूल है एमकेएस सिस्टम की यूनिट और अर्ग है सीजीएस सिस्टम की यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर किसको चेंज करना है, 1 जूल में कितने अर्ग होंगे ये हमें बताना है, मतलब एमकेएस को सीजीएस में चेंज करना है। तो सेम वही प्रोसीजर, सपोज दैट 1 जूल इक्वल टू एन अर्ग, ठीक, इसी एन की वैल्यू हमें निकालनी है। अब जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की, तो हम क्या लिखेंगे, वर्क 1, और वर्क की डायमेंशन होती है m1 l1 2 t1 -2। 1 1 क्यों लगाया, क्योंकि इधर वाला एमकेएस सिस्टम है, उधर वाला सीजीएस है, क्वांटिटी तो एक ही है, वर्ग वर्क है ना। इसी तरह m2 l2 t-2, ओके। तो अब यहाँ से n इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 upon m2 एक साथ ले लिया, l1 upon l2 की पावर 2 हो जाएगी, t1 upon t2 की पावर -2 हो जाएगी, ओके। m1 हमारा इधर वाला जो था वो MKS में था, और 2 वाले जितने टर्म थे वो CGS में थे। MKS में m की यूनिट किलोग्राम, CGS में m की यूनिट ग्राम, ओके। इसी तरह L1 कितना हो जाएगा, मीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये सेकेंड, और ये भी हो जाएगा सेकेंड, ओके। किलोग्राम को जब हम, अब देखो n की वैल्यू हमें किस में निकालनी है, CGS सिस्टम में निकालनी है, यानी कि ये सारे टर्म हमको CGS में चेंज करने होंगे। तो किलोग्राम को हम जब CGS में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, इंटू मीटर को हम क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 2, और ये तो कट जाएगा सेकंड सेकंड, तो 1 ही आएगा। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1000, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 100, और 100 की पावर है 2, यानी कि 10 to the power 4 हो जाएगा, और 4 और 3 10 to the power 7, n की वैल्यू आ गई 10 to the power 7, मतलब 1 जूल इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग, ओके।